हाई, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर आवर ट्रिप। कैब आ गई है, सामान चूँकि ज़्यादा है इसलिए हमने अर्टिगा बुक करी है। तुमने चार्जर वगैरह किया ना? हाय, तो हम लोग आ चुके हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है। ट्रेन आनी है 9:30 पे और हम एज़ यूजुअल एक घंटे पहले यहाँ आ चुके हैं। हमेशा मेरे घर में ना हड़बड़ होती है, चलो चलो चलो। एनीवे, तो थोड़ी थोड़ी मैं आपको ट्रेन जर्नी भी दिखाऊंगी, जिसमें इस बार हम बजट ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें थर्ड एसी से ट्रैवल कर रहे हैं। और बीच बीच में ये भी दिखाऊंगी कि हम कहाँ कहाँ रुक रहे हैं। मेरे फेवरेट स्टेशन भुसावल, वहाँ पे बहुत अच्छा डोसा मिलता है, सो वी हैव अ प्लान कि हम वहाँ पे भी रुकें। एंड बिकॉज दिस इज़ टेक्निकली माय फर्स्ट व्लॉग, मुझे बोलने में बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। प्लीज़ बेयर विद मी, सी यू इन द ट्रेन। ये है लखनऊ जंक्शन और हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक डायरेक्टली कार आ सकती है, टोल देना पड़ता है अराउंड 50 बक्स। तो अभी डायरेक्ट गए हैं देखने के लिए। टेक्निकली प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आती है हमेशा पुष्पा, बट ऑनलाइन अभी हमने चेक किया तो उसमें दिखा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 2, सो वी विल सी। डायरेक्ट तो वापस आ गए, लेट्स चेक इट आउट क्या है स्टेटस। कहाँ पे? तो ऑनलाइन सही इन्फॉर्मेशन दी थी, तो हम लोग अब निकलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए। वॉक काफ़ी करना पड़ता है। तो अब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं और ट्रेन ऑलरेडी आ गई है प्लेटफॉर्म पे, सो वी विल सेटल डाउन। ये बनाया है ऑफिसर्स रिटायरिंग रूम, गेस्ट हाउस। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि उन्होंने एक अच्छा सा वर्टिकल गार्डन यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है। इट्स लुकिंग क्वाइट प्रिटी। अनाउंसमेंट तो यही हो रहा था कि ट्रेन लग चुकी है, बट आई कांट सी इट। थोड़ी देर में आ जाएगी, वैसे भी हम काफ़ी जल्दी आ चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 एक ट्रेन है, तो लेट्स सी। इतनी दूर कौन ट्रेन खड़ी करता है, हे भगवान। सी सम वॉल, अभिनव यही वाली है? बताइए इतना दूर कौन खड़ी करता गाड़ी। हमें जाना है B3 पे और अभी हम A2 हमने क्रॉस किया है। अब आया है B7, B3। आ जाओ भैया। आवाज मेरा ही कर रहा है। अजब अजब आवाजें आ रही हैं हमारे ब्रीफ केस से। ट्रॉली मतलब पूरा रेलवे स्टेशन छोड़ के इतने आगे खड़ी खड़ी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी खड़बड़ खड़बड़ है। अच्छा, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइट की, सबसे पहले सामान सेट करते हुए।
ये है मेरे भाई का ब्रीफकेस, बिल्कुल देखिए आप। अरे भगवान, बीच वाली इसलिए हम बैठ के ही जाएंगे क्या? नहीं नहीं, अभी सोएंगे, सब सोएंगे, तब सब सोओगे, तब सब सो जाएंगे, गाड़ी चलेगी, सब सो जाएंगे। 10 बजे खाना खा के सब लोग सो जाएंगे, 10 11 बजे सो जाएंगे। हमारी तो कम बैठना पड़ेगा, हमें बिठा दिया ट्रेन वालों ने। कहाँ जा रहे हैं? नया कोच लग रहा है ये, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इसमें ब्रेल में भी इन्होंने लिखा हुआ है 58, सारे नंबर्स पे इन्होंने ब्रेल में भी नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ट्रेन है टाइम पे और चल चुकी है। अभिनव डिनर कर रहे हैं, बिट्टू ऑलरेडी कर चुका है, मैं अभी करूँगी। तो मैं सब सैंडविचेस बना के लेके आई थी घर से। पुष्पक एक बहुत ही अच्छी ट्रेन है, बट बिलीव मी टॉयलेट्स इतने गंदे थे, मैंने ट्विटर के थ्रू भी कंप्लेन किया, इन्होंने जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उस पर भी कंप्लेन किया, बट इट वाज ऑफ नो यूज़ क्योंकि मतलब स्टार्टिंग से ही गंदे हैं यहाँ पे टॉयलेट्स, मैं दिखा भी नहीं सकती, इट्स दैट डर्टी। 10:30 हो चुका है और अब सब सेटल होने जा रहे हैं। बिट्टू अपर सीट में जाएगा और हमारे पास दो लोअर हैं, एक मिडिल एक अपर। ये भैया लग रहा है ऊपर से सीधे नीचे ही आ जाएंगे, इतना ज़्यादा घूर घूर के देख रहे हैं। और अब सेटल होते होते 11 बज चुका है और अब हम सब लोग सोने जा रहे हैं, मिलते हैं अब आपको मॉर्निंग में। वैसे तो मैं मास्क लगा के ही रखती हूँ, बट यहाँ मेन रीज़न ये था कि इतना ज़्यादा ठंडा एसी था कि विदाउट मास्क मेरा काम नहीं चल पा रहा था। अभी हो गया है सुबह का 10:30 और मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, रात भर सो नहीं पाई, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, दो दो कंबल उड़ाए हुए थे मुझे और फीवर हो गया था। और फाइनली बट मैं खुश हूँ, मुझे मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट मिल चुका है, ब्रेड एंड कटलेट। और माहौल देखिए आप, सही हुआ स्वेटशर्ट ट्रक लाए थे वरना मेरा तो काम पूरा ही लग जाता। जिस वजह से हम ट्रैवल कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र का मॉनसून, और ये देखिए एमपी से ही बारिश शुरू हो चुकी है और इतना बेहतरीन मौसम है, देख के ही एकदम मज़ा आ रहा है। तो इन लोगों का खाना आ चुका है, अब ये लोग अपना खाना खाएंगे, मैं तो भुसावल पे ही खाऊंगी खाना, आई होप कि सब अच्छा मिले वहाँ पे। लगभग 1:40 का टाइम है भुसावल का और शायद ट्रेन 5-10 मिनट लेट है, हम भुसावल आ चुके हैं और यहाँ मुझे कहीं पे भी डोसा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। ये ले दे के मुझे इडली बड़ा दिख रहा है और भजिया दिख रही है। आगे इधर वड़ा पाव वही लेना पड़ेगा, इडली चटनी डोसा तो नहीं दिख रहा है। तो इडली कैसे भैया? भैया इसमें 3 इडली एक वड़ा, कितने के दीजिए? यू नीड टू होल्ड इट। एक ही लेना ठीक है, मैं तो खाऊंगा नहीं, एक ही लेना, एक ही लेना, खाली बड़ा दे रहे हो, एक दीजिए भैया, इसके ज्यादा है, बड़ा खाली नहीं मिलेगा। इधर है कांदा भुजिया, ये 20 रुपए की प्लेट है। कांदा भुजिया खा तो आगे देखो अच्छा है कि नहीं है, टेस्ट करो, टेस्ट करो, ठीक अच्छा खा तो जाओ फिर आ रहा हूं। तो भैया ने मेरे बदले बोल दिया कि लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ट्रैवल करते वक्त ज़रूर ध्यान दें कि स्टेट बाय स्टेट हमेशा वेदर चेंज रहता है और एसी ठंडा गर्म बहुत करता है, तो एक जैकेट ज़रूर रखें या एक शॉल अपने को कवर करने के लिए। मौका देखते ही भैया जी का फ़ोटोशूट शुरू हो गया। इतनी गंदी इडली मैंने लाइफ में नहीं खाई कभी।
मैं नहीं आ पाऊंगी। यूपी की गर्मी को छोड़ दिया है हमने फाइनली फॉर कपल ऑफ डेज, और एमपी एंटर करते ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, हर जगह बारिश है और यूपी में कहीं बारिश ही नहीं हो रही है। बाय बाय भुसावल, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। जो ब्लैक ब्लैक ना ये सब बरस रहा है बहुत। 4:30 बज रहा है और हम मनमाड़ पहुंच चुके हैं। ये जो ब्लैक शर्ट में हैं, इनका नाम है प्रभाकर, ये नासिक के रहने वाले हैं। ये एक्चुअली नासिक और मनमाड़ के बीच में एक गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। बहुत ही हेल्पफुल हैं, एडवोकेट हैं, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें गाइड करी कि हमें और कहां कहां क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहिए। This station also has some very beautiful wall murals, just like we have in Lucknow. तो प्रभाकर जी ने मराठी में बात करके ड्राइवर को कहा कि थोड़ा सा डिस्काउंट देने के लिए। और मनमाड़ से शिरडी के लिए हमने करी है पर्सनल कैब। ये पहले बोल रहे थे 1200 rupees, बट फाइनली 1000 पे बात सेटल हो गई है। और यहाँ पे आप जब स्टेशन के बाहर निकलेंगे, एज़ फार एज़ आई रिमेंबर, 2-3 तरीके के ही कार्स चलते हैं। सेडान नहीं मिलती है, मैजिक मिलेगी या वैन मिलेगी या शायद ट्रैवलर्स में भी अगर ज़्यादा लोग हैं तो मिल जाए। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि लखनऊ से मनमाड़ तक का जो हमारा किराया था पर पर्सन थर्ड एसी का, वो लगा 1350 रुपये, क्योंकि हमने सिर्फ 20 दिन के अंतर पे ही इसको बुक किया था। डायनेमिक रेट चलता है, अगर आप और पहले बुक कर लेंगे तो ये आपको और सस्ता पड़ेगा। तो 1350 डिसेंट प्राइस है। जर्नी काफ़ी लंबी है, मुंबई तक पूरा 24 आवर्स लगता है और यहाँ तक के लिए थोड़ा सा कम लगता है, 18 या 19 घंटे लगते हैं। देखिए मनमाड़ स्टेशन। तो ये थी पूरी जर्नी लखनऊ से मनमाड़ तक की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मनमाड़ से शिरडी तक का पूरा सफ़र और कहाँ पे हम रुकने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के सभी वीडियो शॉर्ट एंड लॉन्ग प्लेलिस्ट विद द नेम महाराष्ट्र उसमें सेव्ड हैं। बाय बाय, टेक केयर।